दोस्तों ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवाजी एस्ट्रोलॉजी में। 172 साल बाद बना दुर्लभ महासंयोग 31 अगस्त 2023 को रक्षाबंधन, 6 राशियां होंगी करोड़पति। दोस्तों रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल सावन माह के पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का पावन त्यौहार भद्रा काल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इसके साथ ही पूर्णिमा तिथि भी 2 दिन की पड़ रही है, जिसके कारण रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन मनाया जाए इस पर बहुत ज़्यादा ही उलझन की स्थिति है। दोस्तों इस बार कई लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन का पावन त्यौहार 30 अगस्त को मनाना चाहिए, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि 31 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना काफ़ी शुभ रहेगा। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रक्षाबंधन का पावन त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख क्या है, 30 अगस्त या फिर 31 अगस्त। और साथ ही बताएंगे कि इस बार रक्षाबंधन पर कौन सी वह भाग्यशाली राशियाँ हैं जो माता लक्ष्मी की कृपा से करोड़पति धन से मालामाल बनने वाली हैं, क्योंकि दोस्तों इस बार रक्षाबंधन पर बन रहे दुर्लभ महाशुभ संयोग से इन विशेष राशियों के ऊपर धन की देवी माँ लक्ष्मी जी अपनी विशेष कृपा बरसाने वाली हैं। साथ ही बताएंगे कि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा काल का साया रहेगा कितने समय से कितने समय तक, इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना अति आवश्यक है। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती हैं और उसकी लंबी उम्र की स्वास्थ्य की कामना करती हैं, और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्रा काल में राखी का त्यौहार मनाना अशुभ बताया गया है, इसीलिए भूलकर भी भद्रा काल में आप अपने भाई को राखी कभी न बांधें। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के अंदर उसका विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्रा जो कि शनिदेव की बहन है और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जो भी भद्रा के समय शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम हमेशा ही अशुभ रहेगा, इसलिए आप गलती से भी भद्रा के समय रक्षाबंधन का त्यौहार न मनाएं। दोस्तों रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं, इसलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके और हो सके तो नए वस्त्र पहनकर, याद रहे कि शुभ अवसर पर काले कपड़े ना पहने, वस्त्र पहनने के बाद मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा लें और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि अवश्य रख लें, पुष्प रख लें और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रख लें, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगी। दोस्तों अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें, इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठाएं और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान गणेश जी को राखी अवश्य बांधें और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें, उन्हें रोली, चंदन और अक्षत लगाएं, उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़कें और अंत में आरती करें। अब आप अपने भाई के दाहिने हाथ में राखी बांधें और उसके बाद भाई का मुंह मीठा कराकर भाई के लिए मंगल कामना करें। दोस्तों राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहन को रक्षा का वचन दें और बहनों को उपहार वगैरह अवश्य भेंट करें। दोस्तों चलिए अब जानते हैं साल 2023 में रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया जाएगा। दोस्तों पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 30 अगस्त 2023 की सुबह 10:58 से हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 31 अगस्त 2023 की सुबह 7:05 पर होगी। हालांकि पूर्णिमा तिथि उदया तिथि में 31 अगस्त को पड़ेगी,
लेकिन 30 अगस्त को पूरे दिन पूर्ण तिथि रहेगी। इसलिए 30 अगस्त 2023 दिन बुधवार को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना बेहद ही शुभ रहेगा और इस दिन रवि योग में राखी बांधने का शुभ समय होगा। 30 अगस्त की रात्रि 9:03 से लेकर 31 अगस्त की सुबह 7:01 के अंदर अंदर। दोस्तों, इस दिन अमृत योग भी लग रहा है और इस दिन आयुष्मान योग भी रहेगा और सौभाग्य योग भी लग रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार 30 अगस्त को भद्रा काल रहेगा, यानी कि भद्रा का साया रहेगा। भद्रा काल की शुरुआत 30 अगस्त की सुबह 10:59 से रात्रि 9:02 तक रहेगा। दोस्तों, इसलिए इस बार पूरा दिन भद्रा होने के कारण राखी बांधने का शुभ मुहूर्त रात्रि में 9:03 से होगा। दोस्तों, बात करें राखी बांधने के शुभ मुहूर्त की, तो राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त 2023 की रात्रि 9:03 से लेकर अगले दिन 31 अगस्त की सुबह 7 से पहले पहले राखी बांधें। दोस्तों, इस बात का ध्यान रहे कि 30 अगस्त को पूरा दिन भद्रा का साया रहेगा। भद्रा काल में राखी बांधने से हमेशा घर परिवार का विनाशी होता है, इसलिए भाई को इस समय कभी भी राखी ना बांधें, पूरा परिवार कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी, इसलिए उसके पूरे कुल का विनाश हो गया था। इसलिए रात के समय ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ मंगलकारी रहेगा। थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन ये समय आपके भाई और आपके परिवार के लिए शुभ रहने वाला है। दोस्तों, कई लोगों के यहाँ ये भी परंपरा है कि वो लोग सूर्यास्त होने के बाद रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाते। इसके लिए आप 31 अगस्त की सुबह को रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। इसके लिए आप 31 अगस्त की सुबह पूर्णिमा तिथि समाप्त होने से पहले, यानी कि 31 अगस्त 2023 की सुबह 7 से पहले पहले राखी बांध लें। सूर्य उदय होगा 31 अगस्त को सुबह 5:47 पर हो जाएगा और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी सुबह 7:05 पे। तो आपको सुबह 5:47 के बाद और सुबह 7 के बीच में आप रक्षाबंधन मना सकते हैं। बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकती हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में बहन को आप यानी कि गहने वगैरह दे सकते हैं, कपड़े वगैरह दे सकते हैं और जो आपको अच्छा लगे सामर्थ्य के अनुसार आप भेंट कर सकते हैं। दोस्तों, इस बार रक्षाबंधन पर कई दिव्य और दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं। इस बार रक्षाबंधन पर सर्वार सिद्धियोग, अमृत सिद्धियोग और कई धनयोग और राजयोग का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बरस रही है। दोस्तों, श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है और पूर्णिमा तिथि माता लक्ष्मी जी के लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। माता लक्ष्मी जी को समर्पित होती है पूर्णिमा की तिथि, इसलिए श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन पड़ रहा है और इसी दिन माता लक्ष्मी की विशेष कृपा कुछ विशेष राशियों पर पड़ने जा रही है। तो आइए जान लेते हैं कि कौन कौन सी वो भाग्यशाली राशियाँ हैं जो इस बार रक्षाबंधन के पावन पर्व पर माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा से करोड़पति बनने वाली हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता जिस राशि का, वो है मेष राशि। मेष राशि के आपको बता दें कि रक्षाबंधन के दिन बन रहे दिव्य और दुर्लभ शुभ संयोग के कारण अब आपका व्यापार तेजी से चलेगा। इसमें आपका अगर कोई रुका हुआ था, कोई फाइनल डिसीजन लेना था या फिर कोई डील रुकी हुई थी, वो डील फाइनल होगी। जमीन प्रॉपर्टी का सौदा कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपको अधिक से अधिक फायदा होगा। मेष राशि को माता लक्ष्मी कृपा से अब आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्त करेंगे। लंबे समय से पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे। व्यापार में आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। कुछ कार्य आप यानी विदेश जाकर भी कर सकते हैं। इसमें आपकी नौकरी में प्रमोशन की प्राप्ति होगी। अगली जो राशि आती है दोस्तों, वो है कन्या राशि। बता दें कन्या राशि के जातकों की इस बार रक्षाबंधन के पावन पर्व पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। नौकरी में प्रमोशन, उच्च पद की प्राप्ति, साथ ही सैलरी में वृद्धि होगी। बड़ी कंपनी से आपको जॉब के लिए ऑफर आ सकते हैं। साथ ही सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों को विशेष लाभ होगा। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी और लंबे समय से पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे।
बता दें कि इसमें घर परिवार में माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा, भाई बहनों के साथ भी आपके रिश्ते काफ़ी मजबूत रहेंगे और यहाँ पर देखा जाए तो पति पत्नी के बीच संबंध काफ़ी मधुर रहेंगे। बता दें कि रक्षाबंधन के दिन विशेष तौर पर कई दिव्य और दुर्लभ शुभ संयोग बन रहा है, जिसके कारण आपका भाग्य सातवें आसमान पर रहेगा। बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे, कारोबार को लेकर चली आ रही चिंताएं दूर होगी। बता दें कि इसमें आपको गुप्त रूप से धन मिल सकता है, आकस्मिक रूप से धन मिलने का योग भी बन रहा है। अगली जो राशि है तीसरी दोस्त बता दें, वो है यहाँ पर मकर राशि। मकर राशि को बता दें कि इस बार रक्षाबंधन के दिन अब आपका व्यापार तेजी चलेगा, नौकरी में भी लाभ होगा, साथ ही साथ समाज में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, राजनीतिक मसले हल होंगे, विदेश जाने का योग बन रहा है, कार्य क्षेत्र में आपको अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त होगा, लंबे समय से पेंडिंग कामों को पूरा कर पाएंगे, व्यापार में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, गाड़ी वाहन का सुख सुविधा प्राप्त करेंगे, घर के सुख सुविधाओं में वृद्धि करते नजर आएंगे, कई प्रमुख कार्य बनेंगे, अधूरे कार्यों को भी पूरा करते नजर आएंगे। अब अगली जो राशि आती है दोस्तों चौथी, वो है मीन राशि। मीन राशि के आपको बता दें कि इस बार रक्षाबंधन के पावन पर्व पर कई सारे दिव्य और दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं, जिसके कारण माता लक्ष्मी जी की अपार कृपा आपके ऊपर बरसेगी, व्यापार में वृद्धि होगी, धन में आपको अधिक से अधिक मुनाफा देखने को मिलेगा, लंबे समय से पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे, जो कार्य आपके अधूरे थे पेंडिंग थे उन्हें पूरा कर सकते हैं। साथ ही बता दें कि इनकम तेजी से बढ़ेगी और नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, पार्टनर में कोई करना चाहते हैं व्यापार तो आपको सफलता मिलेगी। साथ ही बता दें कि मैनेजमेंट के क्षेत्र से लाभ होगा, बैंक से कोई लोन वगैरह मंजूर हो सकता है, इस लोन के मंजूर होने से आपकी आर्थिक स्थिति और वित्तीय मामलों में काफ़ी मजबूती देखने को मिलेगी। अब अगली पाँचवीं राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि आपको बता दें कि इस बार रक्षाबंधन पर बन रहे दिव्य और दुर्लभ शुभ संयोग से अब आप के घर परिवार में खुशियां दौड़ कर आएगी, कोई धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है, पूजा पाठ के साथ साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। साथ ही बता दें कि माता पिता का सपोर्ट मिलेगा, भाई बहनों का और प्रेम जीवन में खुशियां लाभदायक अच्छी रहेगी, जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे, धन प्राप्ति के कई बड़े अच्छे अवसर हाथ लगेंगे, विदेशी कंपनी से लाभ होगा। बता दें कि आकस्मिक रूप से धन का लाभ होगा, लॉटरी सट्टा से लाभ होगा, ऐसे ऐसे आपको धन के स्रोत नजर आएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब अंतिम और छठवीं जो राशि आती है वो है तुला राशि। तुला राशि को इस बार रक्षाबंधन के दिन अब आपकी किस्मत चमकेगी, लॉटरी सट्टा में लाभ होगा, शेयर मार्केटिंग में लाभ होगा, जमीन प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कई बड़े प्रमुख कार बनेंगे, अगर अभी तक अगर कोई कार नहीं बना तो वो कार बनेगा, धन संपत्ति का लाभ होगा, विशेष सफलताओं की प्राप्ति होगी, लंबे समय से पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे, माता लक्ष्मी कृपा से अब आपकी आमदनी तेजी से बढ़ेगी। तो दोस्तों ये जो छह राशियां हैं इस बार रक्षाबंधन के दिन करोड़पति बनने वाली हैं, धन से मालामाल बनने वाली हैं। इन छह राशियों के ऊपर अब धन की देवी माता लक्ष्मी की अपार कृपा बरस रही है और इन राशि वालों का भाग्य सातवें आसमान पर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अब पैसे गिनते गिनते थक जाएंगे ये लोग, क्योंकि आमदनी के जबरदस्त स्रोत नजर आएंगे। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय माँ लक्ष्मी, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माँ लक्ष्मी।